आई आई के प्रेसिडेंट श्री संजीव पुरी जी यहाँ उपस्थित इंडस्ट्री के सभी दिग्गज साथी सीनियर डिप्लोमेट्स बीसी के द्वारा देश के अलग अलग कोने से हमारे साथ जुड़े हुए उद्योग और व्यापार जगत के सभी साथी अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, <clears throat> अगर युवाओं की सभा होती तो मैं शुरू करता हाउ इज द जोश लेकिन लगता है ये भी सही जगह है और जब मेरे देश में इस प्रकार से जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता प्राप्त हुए व्यक्ति जोश से भरे हुए हो तो मेरा देश कभी पीछे नहीं हट सकता आपने मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रित किया मैं सीआईआई का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ मुझे याद है पैंडेमिक के समय आप और हम चर्चा कर रहे थे आप में से भी बहुत लोगों के हाथ होगा और चर्चा के केंद्र में विषय रहता था गेटिंग ग्रोथ बैक उसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहती थी और तब मैंने आपसे कहा था कि भारत बहुत ही जल्द विकास के पथ पर दौड़ेगा और आज भारत किस ऊंचाई पर है आज भारत 8% परसेंट की रफ्तार से ग्रो कर रहा है आज हम सभी डिस्कस कर रहे हैं जर्नी टवर्ड्स विकसित भारत ये बदलाव सिर्फ सेंटिमेंट्स का नहीं है ये बदलाव कॉन्फिडेंस का है आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन जाएगा मैं जिस बिरादरी से आता हूं उस बिरादरी की एक पहचान बन गई है कि चुनाव के पहले जो बातें करते हैं चुनाव के बाद भुला देते हैं लेकिन मैं उस बिरादरी में अपवाद हूं और इसलिए मैं आपको याद कराता हूं कि मैंने कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगा भारत बहुत सधे हुए कदमों से लगातार आगे बढ़ रहा है साथियों जब 2014 में आप सबने हमें देश की सेवा करना का अवसर दिया 14 में जब हमारी सरकार बनी तो सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि इकोनॉमी को वापस पटरी पर कैसे लाए 2014 के पहले की फ्रेजाइल फाइव वाली स्थिति और लाखों करोड़ के घोटालों के बारे में यहां हर किसी को पता है हमारी इकोनॉमी की क्या स्थिति थी इसकी बारीकियां सरकार ने वाइट पेपर जारी करके देश के सामने रखी है मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जैसे लोग आप जैसे संगठन उस पर जरूर अध्ययन करें आपके यहां डिबेट करें कि हम कहां खड़े थे और कैसी बीमारियों के शिकार हो गए थे भारत और भारत के इंडस्ट्री को उस महासंकट से निकालकर हम इस ऊंचाई पर लाए हैं अभी कुछ दिन पहले ही बजट आया है और मैं देख रहा था एक बच्चा डॉक्यूमेंट आपका बना है मैं अभी अभी देख रहा था मैं जरूर अध्ययन करूंगा उसका और जब बजट अभी अभी आया है आप भी बजट की चर्चाओं में अभी भी व्यस्त हैं तब बजट से जुड़े ही कुछ फैक्ट्स मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा फ्रेंड 2013-14 में जब पिछली सरकार का आखिरी बजट आया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार का लास्ट बजट वो 16 लाख करोड़ रुपए का था 16 लाख करोड़ आज हमारी सरकार में ये बजट तीन गुना बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे रिसोर्स इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव माध्यम कहा जाता है और उसका आंकड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है 2004 जब अटल जी की सरकार गई 2004 में यूपीए सरकार की शुरुआत हुई और यूपीए सरकार के पहले बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब नब्बे हजार करोड़ रुपये था 90,000 करोड़ रुपीज दस साल सरकार चलाने के बाद यानी 2014 में यूपीए सरकार का दसवां वर्ष था अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट दो लाख करोड़ रुपए, टू लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा पाई थी यानी नाइन्टी थाउजेंड से टू लाख करोड़ और आज कैपेक्स ग्यारह लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है यानी 2004 टू 2014 के टेंथ ईयर में कैपेक्स किसी तरह दुगुने पर पहुंचा था जबकि हमारी सरकार में कैपेक्स पांच गुना ज्यादा से बढ़ा है और आप अलग अलग सेक्टर्स को देखेंगे तो भी आपको सटीक अंदाजा मिलेगा कि आज भारत किस तरह हर सेक्टर की इकोनॉमी पर फोकस कर रहा है पहले की सरकार के दस साल की तुलना में हमारी सरकार ने रेलवे का बजट आठ गुना बढ़ाया है हाईवेज का बजट आठ गुना बढ़ाया है एग्रीकल्चर का बजट चार गुना से ज्यादा बढ़ाया है और डिफेंस का बजट दो गुने से अधिक बढ़ाया है और साथियों हर सेक्टर में बजट में ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी और साथ साथ टैक्स में रिकॉर्ड कटौती करने के बाद की गई है 2014 में एक करोड़ रुपए कमाने वाली एमएसएमईस को प्रिजम्प्टिव टैक्स देना होता था एक करोड़ अब तीन करोड़ रुपए तक की आय वाली एमएसएमईस भी इसका लाभ उठा सकती है 2014 में 50 करोड़ तक कमाने वाली एमएसएमई को 30 परसेंट टैक्स देना होता था आज ये रेट 22 परसेंट है 2014 में कंपनियां थर्टी परसेंट कॉरपोरेट टैक्स देती थी आज 400 करोड़ रुपए तक की आय वाली कंपनियों के लिए रेट 25% परसेंट है और फ्रेंड्स बात सिर्फ बजट एलोकेशन बढ़ाने या टैक्स कम करने की नहीं है बात गुड गवर्नेंस की भी है मैं आपको एक उदाहरण देता हूं अब जैसे कोई कमजोर व्यक्ति होता है जिसका वजन कम हो लेकिन उसके शरीर में किसी बीमारी के कारण सूजन आए और पहले की तुलना में जरा कपड़े छोटे होने लग जाए लेकिन क्या उसको हम हेल्दी कहेंगे क्या वो तंदुरुस्त है ऐसा मानेंगे क्या वो देखने में भले ही बहुत स्वस्थ लगे लेकिन हकीकत में तो वो कमजोर होता ही है 2014 से पहले के बजट का भी ऐसा ही हाल था तब बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं इसलिए की जाती थी कि दिखाया जा सके कि अर्थव्यवस्था की सेहत अच्छी है लेकिन सच्चाई ये थी कि बजट में जो घोषणाएं होती थी वो भी जमीन पर पूरी तरह नहीं उतर पाती थी ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तय की गई राशि को भी पूरी तरह खर्च नहीं कर पाते थे जब घोषित करते थे तो हेडलाइन लेते थे शेयर मार्केट में भी शायद थोड़ी दिखाई देता होगा योजनाओं को तय समय पर पूरा करने पर भी पहले की सरकारों का कोई जोर नहीं था हमने दस वर्षों में इस स्थिति को बदला है हमारी सरकार जिस स्पीड और स्केल इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है आप सब उसके गवाह हैं यह अभूतपूर्व है साथियों आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां बहुत सारी अनिश्चितताओं से भरी हुई है और ऐसी दुनिया में भारत जैसी ग्रोथ और स्टेबिलिटी होना एक्सेप्शन है ऐसी अनिश्चितता के समय में भी भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अच्छी खासी वृद्धि हुई है आज जब सारे देश लो ग्रोथ या हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं उन परिस्थितियों में भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन वाला इकलौता देश है इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भारत का फिस्कल प्रूडेंस पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है ग्लोबल गुड एंड सर्विस एक्सपोर्ट में भारत का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ रहा है ग्लोबल ग्रोथ में आज भारत का शेयर 16 परसेंट हो गया है और आप ध्यान दीजिए भारत ने ये ग्रोथ तब हासिल करके दिखाई है जब पिछले दस साल में इकोनॉमी को झटका देने वाले अनेक संकट आए हमारे कार्यकाल में यह भी एक मुसीबत रही सौ साल की सबसे बड़ी पैंडेमिक दुनिया के अलग अलग देशों में युद्ध की स्थिति भारत में बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं कभी साइक्लोन कभी सूखा कभी भूकंप हमने हर संकट का मुकाबला किया हर चुनौती का समाधान किया अगर ये संकट न आते तो भारत जहां आज पहुंचा है उससे भी कहीं अधिक ऊंचाई पर होता और ये मेरा विश्वास मेरे अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं साथियों आज देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल रहा है बीते दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं हम देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर फोकस कर रहे हैं हम देश के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस कर रहे हैं साथियों इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए हमारा बहुत अधिक फोकस स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर हमने केंद्रित किया है आज देश के युवाओं में एक मिजाज बना है कि अपने दम पर कुछ करके दिखाना है इसमें मुद्रा योजना हो स्टार्टअप इंडिया अभियान हो स्टैंड अप इंडिया हो युवाओं की बहुत मदद कर रही है मुद्रा योजना से लगभग मदद लेकर के आठ करोड़ से ज्यादा साथियों ने पहली बार कोई बिजनेस शुरू किया है देश में आज करीब एक लाख चालीस हजार स्टार्टअप्स हैं और इनमें लाखों युवा काम कर रहे हैं नए नए साहस कर रहे हैं इस बजट में भी जिस दो लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा हुई है चारों तरफ उसकी वाहवाही हो रही है खूब प्रशंसा हो रही है इसका सीधा लाभ चार करोड़ से अधिक युवाओं को मिलने का यह पीएम पैकेज होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव है यह टुकड़ों में नहीं है यह इंटरलिंक है एंड टू एंड एक सॉल्यूशन है इसका विजन स्पष्ट है भारत की मैन पावर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो भारत का प्रोडक्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो और सिर्फ क्वालिटी नहीं बल्कि वैल्यू की दृष्टि से भी वो कॉम्पिटिटिव हो हमारे युवाओं की स्किल बढ़े उनका एक्सपोजर बढ़े उन्हें आसानी से रोजगार मिले इसके लिए हम इंटर्नशिप स्कीम लेकर आए हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाले आप जैसे जो लोग हैं उनको लार्ज स्केल पर इंसेंटिव मिले इसका भी हमने ध्यान रखा है इसलिए ही सरकार ने ईपीएफओ कॉन्ट्रीब्यूशन में इंसेंटिव की घोषणा की है साथियों हमारी सरकार का इंटेंट और कमिटमेंट एकदम साफ है हमारे डायरेक्शन में कोई डायवर्जन नहीं है चाहे नेशन फर्स्ट ये हमारा कमिटमेंट हो चाहे फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का संकल्प हो चाहे सेचुरेशन अप्रोच को हम अचीव करने का इरादा लेके चले हो चाहे जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की बात हो चाहे आत्मनिर्भर भारत का हमारा दृढ़ संकल्प हो चाहे विकसित भारत के विराट संकल्प के लिए हमारी लंबी दौड़ हो हम इसके लिए पूरे फोकस के साथ काम कर रहे हैं हम योजनाओं को निरंतर विस्तार देते हैं उनकी प्रोग्रेस की समीक्षा करते हैं आप सरकार की अप्रोच विकास के प्रति हमारे कमिटमेंट को भली भांति जानते हैं हम हर बार नए माइलस्टोन्स गढ़ रहे हैं इसलिए इंडस्ट्री से भी मेरी यही अपेक्षा है वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए सरकार के साथ स्पर्धा करे सरकार को भी पीछे रख देकर जीत हासिल करे ये मेरी आपसे अपेक्षा है पीएम पैकेज की घोषणाएं ये हम दोनों चाहे सरकार हो या इंडस्ट्री यह हमारा साझा दायित्व के रूप में हमें तेज गति से आगे बढ़ाना है मुझे आप पर पूरा भरोसा है साथ ही इस बार के बजट का एक और पहलू है जो विकसित भारत की हमारी जर्नी को ताकत देगा ये विषय है मैन्युफैक्चरिंग आप सभी ने देखा है कि 10 साल में भारत का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है हमने मेक इन इंडिया जैसा महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया हमने अनेक सेक्टर्स में एफडीआई नियमों को सरल किया हमने मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए फोर्टीन सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम्स लॉन्च की ऐसे निर्णयों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंचाया है अब इस बजट में देश के सौ बड़े शहरों के पास इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा हुई है ये सौ शहर विकसित भारत के नए ग्रोथ हब बनेंगे सरकार मौजूदा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का भी आधुनिकीकरण करेगी हमारा बहुत बड़ा फोकस एमएसएमईज पर भी है इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है सरकार ने एमएसएमई को सुविधाएं देने के साथ ही उनकी चुनौतियों को एड्रेस किया है एमएसएमई को जरूरी वर्किंग कैपिटल और क्रेडिट मिले उनके कंप्लायंस बर्डन और टैक्सेस कम हो उनकी मार्केट एक्सेस और संभावनाएं बेहतर हो एमएसएमई का फॉर्मलाइजेशन हो इसके लिए 2014 से ही हमने लगातार काम किया है इस बजट में भी एमएसएमई के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है साथियों जब बजट आता है तो उसके बाद अक्सर चर्चा कुछ प्रमुख बातों के इर्द गिर्द ही सिमट जाती है और ज्यादातर तत्कालीन चर्चा मीडिया ड्रिवन होती है और वो भी एजेंडा के तहत ड्रिवन होती है जब शांत वातावरण होता है तब जाकर के स्थितियां की तरफ नजर गहराई से जाती है कई बार संबंधित इंडस्ट्री या फिर एक्सपोर्ट्स वे भी थोड़ा बहुत उनका ध्यान जाता है उसकी बात करते भी है लेकिन बजट की ऐसी बातें मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में बार बार दोहराना जरूरी है माइक्रो लेवल पर भी उसका एनालिसिस जरूरी है अब जैसे बजट में न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए एलोकेशन बढ़ाया गया है हम कृषि में भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं हम किसानों को जमीनों के नंबर देने के लिए भू आधार कार्ड भी देने जा रहे हैं स्पेस इकोनॉमी के लिए भी 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल की व्यवस्था की गई है बजट में क्रिटिकल मिनरल मिशन की भी घोषणा की गई है हम जल्द ही माइनिंग के ऑफशोर ब्लॉक्स के पहले चरण की नीलामी शुरू करने वाले हैं ये सारे ऐलान प्रगति के नए रास्ते खोलेंगे नए अवसर बनाएंगे फ्रेंड्स आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है तो नए सेक्टर्स में भी संभावनाएं बन रही हैं विशेष रूप से हमारे सनराइज सेक्टर्स में आप जानते हैं टेक्नोलॉजी ही वर्तमान है टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है आज जो भी देश सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अपनी जगह बनाएगा वो भविष्य में बड़ी भूमिका में रहेगा और इसलिए हम भारत में इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं इसी तरह हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी एनकरेज कर रहे हैं आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन का दौर है एक जमाने में जो भारत मोबाइल फोन्स को इंपोर्टर था वो आज दुनिया के टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर में स्थान ले चुका है भारत में हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा रोडमैप तैयार किया है हम ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसे अनेक सेक्टर्स को आगे बढ़ा रहे हैं अब पीएम सूर्य घर योजना ये इतनी बड़ी योजना है इतने वेंडर्स की जरूरत है और सरकार एक एक घर को पचहत्तर हजार रुपया देने वाली है यह अपने आप बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनर होने वाला है इस बजट में क्लीन एनर्जी के लिए उठाए गए कदमों की खूब चर्चा हो रही है आज के दौर में एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन दोनों ही इकोनॉमी और इकोलॉजी के लिए इतने ही महत्वपूर्ण है लेकिन इसके साथ ही हम स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर भी काम कर रहे हैं इससे न सिर्फ एनर्जी एक्सेस के रूप में इंडस्ट्री को लाभ होगा बल्कि इस सेक्टर से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन को भी बिजनेस की नई संभावनाएं मिलेगी हमारी इंडस्ट्रीज और एंटरप्रेन्योर्स ने हमेशा देश के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है मुझे विश्वास है कि मैंने जिन भी सनराइज सेक्टर्स का जिक्र किया है उन सभी में आप भारत को ग्लोबल प्लेयर बनाने वाले हैं और ये मेरे लिए ग्लोबल प्लेयर शब्द भर नहीं है जी मैं साफ मानता हूं मेरा देश ग्लोबल प्लेयर बनेगा साथियों हमारी सरकार के पास राजनीति की इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है और इससे तो आप भी परिचित है हमारे लिए देश और देशवासियों की आकांक्षाएं उनके एस्पिरेशंस ये हमारे लिए सर्वोपरि है मैं इंडस्ट्री को भारत के प्राइवेट सेक्टर को भी विकसित भारत बनाने का एक सशक्त माध्यम मानता हूं मैं आप जैसे साथियों को वेल्थ क्रिएटर्स को भारत की ग्रोथ स्टोरी का प्रमुख ड्राइविंग फोर्स मानता हूं और मैं लाल किले से भी गर्व के साथ इसका जिक्र करने में संकोच नहीं करता हूं साथियों पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर है आप सब पर है आज भारत की नीति भारत की निष्ठा भारत का निश्चय भारत के निर्णय और भारत में हो रहा निवेश पूरे विश्व की प्रगति का आधार बन रहा है दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहां आने के लिए लालायित है वर्ल्ड लीडर्स भारत को लेकर पॉजिटिविटी से भरे हुए ये भारत की इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन मौका है गोल्डन चांस है हमें इस मौके को गंवाना नहीं है मैंने नीति आयोग की बैठक में भी अभी जब मुख्यमंत्रियों से मीटिंग हुई तो मैंने उनसे कहा है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली चार्टर तैयार करे हर राज्य राज्यों के बीच हेल्दी कंपटीशन हो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश का एक भी राज्य पीछे रह जाए निवेश के लिए नीतियों में और स्पष्टता लाए बेहतर माहौल बनाए गुड गवर्नेंस का एहसास हर कदम पर होना चाहिए ताकि निवेशक देश के हर राज्य में जा सके साथियों मैं गत दस वर्ष के अनुभव के आधार पर और विश्व की स्थितियों को बारीकी से जानने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा भारत की आजादी के जब सौ साल होंगे वो शताब्दी हम विकसित भारत के रूप में मनाएंगे हम गरीब देश के रूप में आजाद हुए थे हम लूट चुके थे दुनिया में जो कोई भी लूटना चाहता था लूट रहा था आखिरी मोमेंट तक लूटे गए थे और फिर हमने हमारी यात्रा शुरू की थी सौ साल के भीतर भीतर सारे अवरोधों को पार करते हुए संकल्पों को चरितार्थ करते हुए शताब्दी विकसित भारत की मना करके ही रहेंगे हम रहे न रहे हमारी पीढ़ियां आने वाली विकसित भारत को गर्व से जिए ये सपने लेकर चलना है आइए हम सब मिलकर आगे बढ़े अपने भारत को विकसित बनाए और इस संकल्प को सिद्धि पर ले जाने के लिए जीवन का पा अपने पास ईश्वर ने जो भी दिया है उसका उत्तम से उत्तम हम समाज को देश को फिर से अर्पित करें इसी एक भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद यार आज कहीं बाहर खाने चले तो चलो दिल्ली के मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट चावला दिल्ली वाला चलते हैं जो अब खुल चुका है अपने शहर पठानकोट में भी जहां मिलेगा आपको इनका फेमस पिशौरी चिकन और वेज नॉन वेज में ढेरों जायकेदार वैरायटीज। चावला दिल्ली वाला पाइनवुड टावर ऑपोजित नोवल्टी हंडाई डलहौजी रोड पठानकोट कॉल सेवन शहर पठानकोट में खुल चुका है पहला विश्वसनीय साउथ इंडियन रेस्टोरेंट चेन्नई मराठा जो कि दलहोसी रोड ओपुलेंस होटल की बैक साइड पर है जिसे शहर वासियों से बेहद प्यार मिल रहा है यहाँ पर सारा खाना शुद्ध शाकाहारी और अत्यंत स्वादिष्ट है यहाँ की सर्विस बेहद अच्छी है चेन्नई मराठा रेस्टोरेंट में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के स्वाद अनुसार व्यंजन उपलब्ध है यहाँ पर बर्थडे पार्टी और किट्टी पार्टी भी की जाती है आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भी एक बार अपने परिवार के साथ चेन्नई मराठा आए और यहाँ के बेहद स्वादिष्ट खाने का आनंद लें।